हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप लोग? सो फेस्टिव सीजन आ गया है एंड वी हैव टू लुक फेस्टिव रेडी. बट इतने घर के काम होते हैं, इतना भागा दौड़ी होती है फेस्टिविटीज की वजह से कि हमारे चेहरे का ग्लो खो जाता है. हम मेकअप तो कर लेते हैं बट फिर भी चेहरा डल सा ही लगता है. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप किस तरीके से फेस्टिव रेडी हो सकते हो एंड आप अंदर से ग्लो भी करोगे, आपका मेकअप जो है एकदम मस्त लगेगा. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो. एंड ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167. लेट्स बिगिन. यूजली मैं स्टार्ट ऑफ करती अपना फेशियल हेयर रिमूवल के साथ में, बट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी अपना फेशियल हेयर रिमूव किया था. सो आई विल स्किप दैट एंड स्ट्रेट अवे हम मूव ऑन करेंगे टू गेटिंग रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन. एंड उसके लिए मैं करूँगी आज फेशियल. और फेशियल के लिए आज मैंने जो किट यूज़ करने वाली हूँ वो है लोटस हर्बल रेडियंट ब्राइडल ग्लो रोज गोल्ड स्किन इल्यूमिनेटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग फेशियल किट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. I have used, I think, कुछ और वेरियंट्स यूज करे हैं मैंने लोटस की फेशियल किट्स के एंड आई लव देम. आई थिंक डायमंड वाला यूज किया एंड आई लव इट. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट एंड क्योंकि फेस्टिव सीजन है एंड वी नीड दैट ग्लो. सो लेट्स गेट द फेशियल डन. ऑल्सो वाई आई एम डूइंग इट एट होम इज फेस्टिव सीजन तो आ ही रहा है बट एट द सेम टाइम मेरे पास यूजली टाइम नहीं रहता कि मैं सैलून जाके एक डेढ़ घंटा दूँ, बिकॉज वहाँ आना जाना देन काम करवाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई यूजली डोंट हैव दैट टाइम. सो दीज काइंड ऑफ किट्स रियली कम इन हैंडी एंड आप घर बैठे बैठे ही रेडियंट और ग्लोइंग स्किन, यू नो, यू कैन गेट दैट रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन. ये एक्चुअली एक 5-step वन टाइम यूज फेशियल किट है, तो यू नो ट्रैवल करने के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी रहती है, बिकॉज वेन यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर सिटी आपको वहाँ के सैलॉन्स का ज़्यादा आइडिया नहीं रहता एंड इन दैट केस दीज किट्स रियली कम इन हैंडी बिकॉज आप खुद से अपना फेशियल कर सकते हो. एंड दी बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें पाउचेज नहीं आते, विच आई रियली हेट, क्योंकि पाउच क्या होता है ना, यू ओपन देम अप एंड देन आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते एंड पूरा का पूरा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. इसमें ट्यूब्स आते हैं, सो यू नो अगर कुछ बच भी जाता है यू कैन यूज इट लेटर बिकॉज वो ट्यूब्स में है, विच इज अनदर ग्रेट थिंग. बाय द वे दिस इज पैराबेन फ्री एंड इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. दिस इज सुपर डुपर अफोर्डेबल. दिस रिटेल्स जस्ट फॉर 325 रुपीज एंड आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है. आइडियली ये एक इंसान के फेशियल के लिए बनी है बट अगर आप इसको थोड़ा यू नो अच्छे से यूज करो तो यू कैन गेट एटलीस्ट 2 facials और इवन मोर आउट ऑफ दिस. आई पर्सनली फील दैट. हर एक ट्यूब में आपको एक्चुअली 10 grams प्रोडक्ट मिल जाता है विच इज ग्रेट. इट्स लाइक अ गुड क्वांटिटी. एक्चुअली में एक नहीं, आप इससे कई फेशियल्स निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिवली इसको यूज करो तो. चलो अभी फेशियल कर लेते हैं फटाफट से. जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग जेल. ये जेंटली आपके मेकअप का अगर कोई रेजिड्यू रह गया आपके फेस पे तो उसको रिमूव करेगा. एट द सेम टाइम पॉल्यूशन और इम्प्योरिटीज जो हमारी स्किन पे इतने टाइम से इकट्ठी हो रही होती हैं उसको भी ये हटाने में हेल्प करेगा एंड आपकी स्किन को प्रिपेयर करेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप. इसको आपको अपने फेस पे अराउंड 2-3 minutes के लिए मसाज करना है सो दैट अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर दे एंड देन आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट स्टेप के लिए. बिकॉज आपकी स्किन क्लीन आएगी तो जो भी प्रोडक्ट्स हम उसके ऊपर अब अप्लाई करेंगे वो अच्छे से स्किन में सिंक इन होंगे. ओके गाइज, आई एम बैक. मैं प्रिफर करती हूँ पानी से फेस को वॉश करना रादर देन यू नो एक वेट वाइप या फिर टॉवल से रगड़ना, बिकॉज जब आप अपने फेस को रगड़ते हो तो फाइन लाइन्स और रिंकल्स जल्दी आने के चांसेस रहते हैं. सो मेक श्योर कि आप पानी से वॉश ऑफ कर लो. इट्स लाइक 2 मिनट लगेंगे एंड देन पैट ड्राई योर स्किन. जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज स्टेप नंबर 2 इज माइक्रो पॉलिशर. ये आपकी स्किन से सारे डेड सेल्स को स्क्रब ऑफ कर देगा. आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो उनको भी लूजन अप करेगा. एट द सेम टाइम आपकी स्किन को एक स्मूथ पॉलिश्ड फिनिश देगा, तो यू नो आपकी स्किन अच्छी खासी स्मूथ और पॉलिश्ड लगेगी. सो लेट्स डू दिस. इसमें काफ़ी फाइन स्क्रब पार्टिकल्स हैं एंड आपको बहुत जेंटली, जब भी आप स्क्रब करते हो हमेशा आपको जेंटल रहना है, नेवर बी टू हार्श, अदरवाइज आप अपनी स्किन को हर्ट कर सकते हो. सो जेंटली जेंटली हल्के हल्के सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है जिससे कि आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को लूजन अप कर दे और अगर कुछ डर्ट इकट्ठा है, डेड स्किन इकट्ठा है, वो अच्छे से रिमूव हो जाए. अगर आपको जरूरत पड़े तो बीच में आप पानी ऐड कर सकते हो. तो आपको इसको अपनी स्किन पे मसाज करना है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव या फिर ड्राई टाइप की है तो 1 मिनट सफिशियंट रहेगा, अदरवाइज 3-4 minutes आप इसको अपने स्किन पे हल्के हाथ से मसाज करिए. जो नेक्स्ट स्टेप है दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. ये है डीप सेल एक्टिवेटिंग सीरम. इसमें 24 कैरेट गोल्ड भी है विच इज ग्रेट बिकॉज यू नो आपकी स्किन उससे अच्छे से ग्लो करेगी. इसमें काफी पोटेंट और नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और ये एक सीरम एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसको अंदर तक जाकर के अच्छे से रिजुविनेट करेगा एंड आपकी स्किन जो है अंदर से ग्लोई लगेगी. आपको इसकी 5-7 बूंदें अपने हाथ पे लेनी है एंड अपने फेस पे मसाज करना है फॉर 3-4 minutes. इट हैज़ अ जेल काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी.
एक्चुअली स्क्रब करने के बाद मेरी स्किन ना बहुत स्मूथ और सॉफ्ट फील हो रही है, एंड जब मैं ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत ऐसे मक्खन जैसा फील हो रहा है अपनी स्किन पे. डोंट फॉरगेट योर नेक एज वेल. ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सिंक इन हो गया है, और इसको वाइप ऑफ किए बिना ही हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ योर इलिमिनेटिंग फेस क्रीम. ये फेशियल क्रीम आपकी स्किन को स्मूदन आउट करेगी, एट द सेम टाइम जो भी नेचुरल एक्टिव्स हैं उनको आपकी स्किन के एपिडर्मल लेयर तक लेकर जाएगी, एंड इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट, फर्मनेस एंड एक ग्लो आएगा आपकी स्किन पे. इसको आपको अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है, एंड वो जो मसाज होगी ना, इट विल बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपके फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, एंड आपका अगर कोई टेंशन है तो उसको भी रिलीज करेगा. आई एम टेकिंग अ जेनरस क्वांटिटी अपवर्ड एंड सर्कुलर मोशन. आपको इसको मसाज करना है फॉर गुड 10 to 15 मिनट्स, तो मैं रिकमेंड करूंगी किसी और से करा लेना, तो ज्यादा रिलैक्सिंग फील होगा. आफ्टर 15 मिनट्स जस्ट वाइप इट ऑफ विद अ वेट टॉवल. जो लास्ट स्टेप है वो है एल्गी पील ऑफ मास्क. मैंने पील ऑफ मास्क काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई नहीं किया है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो ऑल्सो बिकॉज आई फील जब आप पील ऑफ मास्क यूज़ करते हो ना, इट जस्ट टेक्स ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम योर फेस, एंड योर फेस इज नाइस एंड स्क्वीकी क्लीन. सो या लेट्स डू द एल्गी पील ऑफ फेशियल मास्क. ओ बाय द वे, दिस इज ए ड्राई पाउडर, सो आपको इसको एक कटोरे में या कप में लेना है, एंड यू हैव टू एड वाटर टू इट एंड देन अप्लाई इमीडिएटली, एंड यू हैव टू कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स. ओ इट्स चेंजिंग कलर, ये पिंक हो गया है. It's powder and you just have to mix it and then apply. इट्स बिन 15-20 मिनट्स. इसको अब हम फटाफट से निकाल लेते हैं. मैं थोड़ा सा पानी लेकर के, पहले मैंने सोचा इसको पील ऑफ करूँ सर्कुलर मोशंस में रब करके, बट देन आई फेल्ट इट्स नॉट लाइक योर टिपिकल पील ऑफ मास्क, दिस इज समथिंग डिफरेंट. सो अभी मैं इसको पानी से वॉश ऑफ करके आती हूँ. My facial is done, and मेरे चेहरे की खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो how I feel about it. My skin feels nice, soft and smooth. I love how my skin looks and feels. Overall, I love the finish of it. It's nice and glowy. 10 points to that. I would highly, highly, highly recommend this. अगर आप festive season के लिए एक facial kit try करना चाहते थे, या करने की ज़रूरत है, या wedding के लिए जा रहे हो and you want to carry something, this is something that you can totally try. I love how my skin looks and feels. And dekh raho, the natural glow on my skin, it's so amazing. Also, ye natural hai and cruelty free hai. And you can grab yours from Lotus Herbal ki website. Main link description box mein dal dungi. Now, let's move on to the makeup. Aur makeup main voice over mein rakhungi, kyunki mereko kuch specific eye look karna hai. And for that, I need concentration. So, let's move on to the makeup tutorial. Start off karenge skin ko prepare karne se. So, main ek dewy primer yahan par use kar rahi hu. Agar aapki ऑयली स्किन है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करिए. आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्राइमर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट कैन मेक और ब्रेक योर मेकअप. लिप्स को भी मैं हाइड्रेट कर ले रही हूँ एक लिप बाम लगा करके, एंड देन जो सबसे पहला स्टेप मैं करूँगी, बिकॉज आई विल बी डूइंग माई आईज फर्स्ट, इज मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूँगी. यहाँ पर मैं एक पाउडर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. आपको पेंसिल्स, आई शेडो मस्कारा, सॉरी आईब्रो मस्कारा, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ करना पसंद है, सो यू कैन गो अहेड एंड डू वट एवर यू फील लाइक. नेक्स्ट आईब्रोज, क्योंकि मैं जो ट्रिक यूज़ करती हूँ वो है आईब्रो पाउडर को स्पूली में लपेट करके फिर अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ, तो आई फील इसके बाद अगर मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लेती हूँ तो बहुत स्नैच्ड लगती हैं. तो एक कंसीलर की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को नीचे के टाइप साइड से पहले क्लीन करूँगी, और फिर जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे बचा हुआ है उसकी हेल्प से मैं ऊपर से भी अपनी आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. एंड As you can see, they look snatched, right? Also, ये concealer जो है मेरा आई शेडो का बेस भी बनेगा. बहुत सिंपल आई लुक करने वाली हूँ, बट अच्छा ड्रामेटिक लुक होगा. एक पाउडर की हेल्प से मैं अपनी आई लिड्स को सेट कर लूँगी, जिससे कि जो कंसीलर लगाया है ना वो क्रीज ना करे. ना स्कॉच टेप इज़ योर फ्रेंड अगर आप बिगनर हो मेकअप में, और ये जो स्कॉच टेप होता है ना इसमें ग्लू बहुत कम होता है, तो आपकी स्किन को उतना ज़्यादा इरीटेट नहीं करेगा. इससे क्या होगा ना, लाइनर बनाना हो आई शेडो को, वो एकदम परफेक्ट क्रीज चाहिए आपको, ये एकदम परफेक्टली आएगी. एक ब्लैक आई शेडो लेना है और उससे आपको विंग बनाना है. अब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होना है, वेगली भी चलेगा, क्योंकि हम एनी वेज ब्लेंड करने वाले. नाउ क्योंकि मेरा मन था, मेरा आउटफिट ब्लैक था, बट आई वांटेड कलर, तो इसलिए मैंने पर्पल कलर यूज़ किया. बट इस आई लुक में आप लिटरली कोई भी कलर ऐड कर सकते हो. अगर आपने रेड आउटफिट पहना हुआ है तो पर्पल की जगह पे आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो. तो एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने पर्पल कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और बीच बीच में मैं ब्लैक भी लेती जा रही हूँ, जिससे कि ब्लैक की इंटेंसिटी खोए ना. आई वॉन्टेड दैट स्मोकी इफेक्ट ऑन माई आई लाइनर. ओके, नेक्स्ट मैंने एक क्रीम कलर का आई शेडो लिया और उसको अपनी कंप्लीट आईलिड पर अप्लाई कर लिया टू एड वॉर्म्थ, एंड थोड़ा सा ऑरेंजी शेड अप्लाई कर रही हूँ. देन
देन मुझे रियलाइज हुआ मैंने पर्पल यूज़ किया तो पिंक विल लुक गुड, तो मैंने थोड़ा सा पिंक कलर भी आउटर क्रीज में ऐड कर दिया है एज यू कैन सी, एंड ऑनेस्टली इट वॉज लुकिंग गुड. अगर आपको लगता है कि आपका जो कलर की इंटेंसिटी है वो लूज हो गई है तो थोड़ा सा आप फिर से इंक्रीज कर सकते हो. इनफैक्ट जो कलर मैंने क्रीज में और आईलेट पे ऐड करें आप उसको स्किप भी कर सकते हो. एंड जब आप स्कॉच टिप अपना रिमूव करोगे यू विल हैव दैट परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर जो कि बहुत सुंदर लगेगा. फटाफट से मैं मस्कारा लगा लेती हूँ जिससे कि जब मैं फेस करके वापस अपनी आईज पे आऊँगी तब तक मेरा मस्कारा सूख चुका होगा. मैंने यहाँ पर एक शेयर कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया है. आपको अगर फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत है या मीडियम कवरेज, जैसे भी कवरेज आपको चाहिए, आप उस हिसाब से अपना फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं. एंड यू नो समटाइम्स पीपल इवन स्किप फाउंडेशन, बट मुझे लगता है जब मैं अच्छा हैवी आई लुक कर रही हूँ तो फिर बेस भी अच्छे से होना चाहिए. फिर उसके बाद आप कंसीलर, कुछ लोग कंसीलर पहले लगाते हैं, कुछ लोग कंसीलर बाद में लगाते हैं, बोथ द वेज आर करेक्ट. आप कलर करेक्शन करके फाउंडेशन करके फिर भी कंसीलर लगा सकते हो. सो मैंने सारे जो जो पॉइंट्स मुझे या तो लिफ्ट अप कराने थे या क्लीन करने थे या ज़्यादा कवरेज चाहिए था वहाँ वहाँ पर मैंने कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अपने कंसीलर ब्रश और फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे. नाउ आप अगर चाहते हो कि आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे, यू नो ऑयली स्किन के लिए स्पेसिफिकली दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप थोड़ा सा बेक कर लो. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत लाइट हैंड से आप पाउडर डस्ट ऑफ कर लो. मेरी ड्राई स्किन है बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस बट या आई डिड इट. तो पाउडर से आप अपना अंडर आइज स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा कर लिया करो बिकॉज अंडर आइज में ना अदरवाइज क्रीज वगैरह पड़ जाता है, कंसीलर हट सकता है, तो हल्का पाउडर करना जरूरी है इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन. मैंने एक आई शेडो पैलेट के ही दो कलर्स लेकर के उसको एज अ ब्लश यूज कर लिया. यू कैन टोटली डू दैट, यू डोंट हैव टू बाई अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव इट. आप आई शेडो पैलेट से ब्लश कर सकते हो, ब्लश से आई शेडो कर सकते हो, टोटली योर विश. मैंने सेम आई शेडो पैलेट का इनफैक्ट हाईलाइटर शेड भी लेकर के उससे अपने फेस को हाईलाइट भी कर लिया एंड इट जस्ट लुक्ड अमेजिंग. आप देख सकते हो अच्छा खासा मेरा फेस ग्लो कर रहा है, राइट. लास्ट जो है वो लैशेज लगा लेंगे. हाउएवर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो लैशेज लगाने में तो यू कैन स्किप दिस स्टेप. यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ मैं कैसे आई लैशेज लगाती हूँ. सो मैं पहले ग्लू लगाती हूँ, उसके बाद मैं उसको थोड़ी देर जो है ड्राई होने देती हूँ और मीनवाइल जो है थोड़ा सा मैं बैंड को ऊपर नीचे भी करती हूँ जैसे कि बैंड जो है मेरी आई शेप को अच्छे से ले पाए, अदरवाइज ग्लू सूख जाएगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा. एंड देन उसको अपने आईलिड्स पे रख करके एक ब्रश की हेल्प से मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ एंड देन दोनों लैशेज़ को अपनी फिंगर्स की हेल्प से प्रेस इन कर देती हूँ सो दैट नेचुरल लगे एंड दैट्स हाउ आई अप्लाई माय आईलैशेस. यूजुअली मैं लिप लाइनर्स नहीं लगाती बट आजकल ये ट्रेंड चल रहा है वेर इन यू अप्लाई अ ब्राउन कलर का या डार्क कलर का लिप लाइनर एंड देन यू फिल इट इन विद अ क्लियर लिप ग्लॉस. यहाँ पे मैं क्लियर लिप ग्लॉस नहीं ले रही, मैं कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस ले रही हूँ. ये लिप ग्लॉस हल्का सा पिंक हो जाता है एंड आई थिंक द कॉम्बिनेशन वॉज एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस. मेरे इस आई लुक के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से जाता है, इट वॉज काइंड ऑफ न्यूड फॉर मी, राइट. एक काजल लेकर के उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन और वाटर लाइन दोनों जगह पे अच्छे से लगा लूँगी बिकॉज आई फील लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा लाइक आईलेट्स पे ज़्यादा कुछ तो किया नहीं मैंने, सिर्फ आईलाइनर ही लगाया सो लोअर लैश लाइन थोड़ी स्मोकी सी हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी. सो इसीलिए एंड एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक कलर लेके भी थोड़ा सा और स्मज आउट कर दिया एंड थोड़ा सा पर्पल कलर लेकर के और स्मोक आउट कर लूँगी एंड देन फाइनली सारा कुछ मेकअप जो है वो मेकअप फिक्सर की हेल्प से अच्छे से हम सेट कर लेंगे जिससे कि दिस वुड लास्ट थ्रू आउट द डे. एंड येस फेस्टिव लुक है तो फिर विदाउट बिंदी फिनिश ऑफ नहीं कर सकते, सो हियर गोज बिंदी. सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज. आप इसको गरबा के लिए कर सकते हो, अपकमिंग कोई भी फेस्टिवल कोई भी वेडिंग के लिए कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी वेरी कस्टमाइजेबल एज वेल क्योंकि मैंने यहाँ पर आज पर्पल आई शेडो यूज़ किया. आप सपोज रेड आउटफिट पहने वाले हो तो पर्पल की जगह आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो. लाइक लिटरली यू कैन यूज़ एनी कलर ऑन योर आईज एंड आप उसको अपना बना सकते हो एंड इट सुपर ईजी टू डू एज वेल. ऑल्सो अगर आप देखोगे मेरे चेहरे का ग्लो भी बरकरार है थैंक्स टू लोटस फेशियल किट. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. Make sure to check them out. And अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में करना बिल्कुल मत भूलना. And I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.